हेलो लिब्रा, वेलकम टू करुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है अक्टूबर के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। फोर ऑफ फायर, टू ऑफ एयर, जस्टिस, वॉटर। ओके, तो इस वीक में ऐसा लग रहा है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन का जो शायद आपकी वैल्यू समझता नहीं। लिब्रा, आई मीन आपके सब कुछ कर लेने के बाद भी, सारी कोशिशें कर लेने के बाद भी ये पर्सन आपसे कंप्लेन करता रहा है या करता रहता है। एंड इन फैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कैसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन ऑलरेडी आपको अकेले छोड़ के कहीं चला गया है। एंड आप अब ये सोच रहे हैं कि आप ऐसा क्या करें कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, या क्या आपकी गलती थी कि ये पर्सन आपको अकेला छोड़ के चला गया, या फिर क्या आप वाकई में उतना नहीं कर पाए जितना कि एक पर्सन को किसी रिलेशनशिप में करना चाहिए। ये सारे सवाल बेवजह कर रहे हैं आप अपने आप से, क्योंकि आपको जो करना था आप कर चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आपका जो कार्मिक डेट है वो खत्म होता है। शायद आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं जो आपके लाइफ में आपको कुछ लेसन देने और लेसन लेने आया है। आप दोनों एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। एंड लिब्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि उन चीज़ों के पीछे जाना बंद कर दीजिए, या उन चीज़ों को चेज करना या फॉलो करना बंद कर दीजिए जो दरअसल आपको आपके ही बारे में बुरा फील करवा रही है। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है जिससे आपको ये महसूस होने लगे कि शायद आप ही में कोई कमी है, या ये पर्सन आपको इसलिए अकेला छोड़ गया क्योंकि आप इतने स्ट्रांग नहीं है कि इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड कर पाए। फोर ऑफ फायर के साथ डेफिनेटली यहाँ पे कमिटेड फ्यूचर नजर आ रहा था। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक कमिटमेंट कर चुके थे, या आप दोनों ने सब कुछ प्लान कर लिया था कि आप इस पॉइंट तक शादी कर लेंगे, या इस पॉइंट तक एंगेजमेंट कर लेंगे, या कुछ और रिलेशनशिप पब्लिक कर देंगे, या अपने पेरेंट्स से एक दूसरे को मिलवाएंगे। अब ये कुछ भी हो सकता है, पर लगता है कि अब इस पर्सन ने आपको सोच में डाल दिया है। टू ऑफ एयर के साथ आप किसी दौराहे पे आके खड़े हो गए हैं। एक और केस यहाँ पे लिब्रा बहुत ऑब्वियस होता जा रहा है, यानी बहुत ज्यादा पॉसिबल है, वो ये कि आप शायद रेड फ्लैग्स कॉन्टिन्यूसली इग्नोर कर रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इससे पहले नहीं थी, कमिटमेंट से पहले नहीं थी, और अब कमिटमेंट मिलने के बाद आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये पर्सन चेंज हो रहा है, या इनका हिडन साइड बाहर आ रहा है जिसमें कि आप कहीं भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे या फिट नहीं हो रहे। आपको ये लग सकता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बाद में, या फिर शायद आप सही डिसीजन नहीं कर रहे हैं। टू ऑफ एयर के साथ आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ सकते हैं इस वीक में कि आपको क्या करना है। हो सकता है ये समय टफ हो, पर टैरो आपसे कह रहा है कि ये समय आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद जब आप इस सिचुएशन से निकलेंगे तो आपको जस्टिस का एहसास होगा। ओके, अगर आप इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, ये पर्सन सब कुछ कर लेने के बाद भी आपको आपकी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है,
या हर बार एक नई डिमांड लेके आ जाता है, आपकी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करता है, तो वक्त है शांत बैठने का या फिर जस्टिस करने का। या तो आप जो कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए, सिंपली इस पर्सन को यह एहसास होना चाहिए कि आपको और ज्यादा पुश नहीं कर सकते, या हर चीज उनके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हमेशा, या फिर आप अपने मन की बात बोलिए। ओके, जस्टिस का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि अपने राइट के लिए स्टैंड करना जरूरी है, अपने मन की बात बोलना जरूरी है, अपने आप को जाहिर करना जरूरी है, और डरिए मत की कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्योंकि एनीवेज ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता लिब्रा, एंड शायद ये बात आप ऑलरेडी फील कर रहे हैं। ओके, और अगर आप जस्टिस नहीं करेंगे, आपसे नहीं हो पाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बोल सकते क्योंकि आपको डर है कि आप इस पर्सन को गवा देंगे, तो भी यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको अपने आप को पुश करने की या फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए एंड बाकी का काम यूनिवर्स करेगा, बाकी जो भी इनके कार्मिक लेसन है यूनिवर्स इन्हें सिखाएगा। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और इस ख्याल को मन से निकाल दीजिए कि आपने कुछ नहीं किया इसलिए आज आप इस दौराहे पे खड़े हैं और आपका रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैजिशियन, सेवन ऑफ फायर, थ्री ऑफ अर्थ, फाइव ऑफ एयर। तो हमारे पास यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है। यकीनन आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वर्ड्स को यूज करना जानता है। इनफैक्ट ये पर्सन आपको ऐसा महसूस करवा सकता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या फिर जो सारी चीज़ें इस पॉइंट पे हो रही हैं वो उनके कंट्रोल से बाहर हैं। और फाइव ऑफ एयर के साथ ये पर्सन, सेवन ऑफ फायर के साथ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, आप समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या करें। तो थ्री ऑफ अर्थ के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अपने फ्यूचर पे फोकस रखिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि फाइव ऑफ एयर एक ऐसी सिचुएशन है जिससे पर्सन बाहर नहीं आ पा रहा। ओके, ये अपने टो पे खड़े हैं और इन्हें नहीं पता कि ये वापस कैसे मुड़े। ओके, चैलेंजेस आपके सामने आएंगे और इन चैलेंजेस से आप दोनों को ही डील करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ प्रूफ करना है आपको, और वो ये है कि यू नो वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन ऐसा आपको जताएगा कि ये अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं और इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। अब आपको इसमें सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। जस्टिस, योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प।
तो यहाँ पे बात हो रही है करियर की, पर जस्टिस का यहाँ लेना देना है आपके अपने बारे में। हो सकता है आप में से कुछ लोग जस्टिस से रिलेटेड करियर में भी हों, बट यहाँ पे आपके लिए खुद के साथ जस्टिस करना ज़रूरी है। आप लोगों में एक स्ट्रांग सेंस ऑफ जस्टिस हो सकता है इस वक्त कि आपको क्या करना चाहिए, एंड उस सेंस को सबसे पहले अपने लिए यूज़ कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है तो उसी पॉइंट पे उसे रोकना ज़रूरी है। ओके okay? तो ये है रीडिंग अक्टूबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।